अपकमिंग बारिश का इलेक्शन आ रहा है, असेंबली इलेक्शन गोवा में, उसके लिए रिपब्लिक पार्टी कॉन्टेस्ट करेगा सर गोवा में? विधानसभा का अभी तो विधानसभा का जो है इलेक्शन अभी मार्च 2022 में आएगा, तो उसमें जरूर हम हमारे प्रमोद सावंत जी जो हमारे मुख्यमंत्री है उनसे भी मैं बात करूंगा, और रिपब्लिकन पार्टी को एक दो सीट अगर मिलती है तो अच्छी बात है, अगर ऐसी सीट नहीं मिलती है तो चार पांच सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे इंडिपेंडेंटली, और बाकी के जगह पर बीजेपी का समर्थन करेंगे, तो एक तो दो सीट के लिए हम कोशिश करेंगे, वहाँ जेपी नड्डा जी को भी मिलेंगे, यहाँ सीएम से भी बात करेंगे, और आरपीआई में से एनडीए का एक पार्टनर ही है, और यहाँ बीजेपी का हम पूरा समर्थन करते हैं। प्रमोद सावंत जी ने बहुत ही अच्छा काम किया उनके कार्यकाल में, और हमारे परिकर जी भी एक बहुत ही सीधे साधे आदमी थे, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री पद को बहुत अच्छी तरह से संभाला था, सेंट्रल में संरक्षण मंत्री जो है डिफेंस मिनिस्टर है वो भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह संभाला था, और बहुत अच्छे स्वभाव के वो परिकर जी थे, लेकिन आज हमारे बीच में उन्होंने नहीं है, तो सावंत जी के नेतृत्व में यहाँ बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी और दोबारा बीजेपी की सरकारें आएगी, ऐसा हमें विश्वास है। समर्थन नहीं दिया तो रिपब्लिकन पार्टी इंडिपेंडेंट लड़ेगा? चार पांच जगह पर हम लड़े, समर्थन जितने सीट हम खड़ा करेंगे उसके बाद में बाकी के सीटों को बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, बट चार पांच तो कंटेस्ट करेगा? हाँ, मतलब चार पांच कंटेस्ट करेंगे, अगर सीटों को अलायंस में एक या दो सीट के लिए कोशिश करेंगे, अगर वो सीट नहीं मिलती है तो हमारी पार्टी रजिस्टर पार्टी है तो कुछ इलेक्शन में चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, इसीलिए पांच एक सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। सही, इतना असेंबली विधानसभा का इलेक्शन हो गया, उसमें कुछ आपका पार्टी लड़ा था? नहीं, पूरे लड़ा नहीं, 1983 से लेके 2012 तक लड़े थे, बाद में 2012 से हम ये 10 साल बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े कैंडिडेट वास्ते में खड़े किए, बड़े उधर ही देखो, उधर देखो, अभी अभी अगले अभी 22 का इलेक्शन खुद लड़ने के लिए सोच रहे हैं? सोच रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, चाय लीजिए, चाय वगैरह सुन गया।